जसपुर से बड़ी खबर। जसपुर क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 74 पर आज स्थानीय निवासियों और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बता दें कि बीते दो दिन पूर्व जसपुर निवासी चिराग चौहान के साथ टोल प्लाजा कर्मचारियों ने हेलमेट रखने के विवाद को लेकर जमकर मारपीट की थी, जिसमें युवक द्वारा तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की गई थी और पुलिस ने मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया था। वहीं पीड़ित के पिता का आरोप है कि टोल प्लाजा कर्मचारी और यहां का मैनेजर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। युवक के साथ मारपीट की गई, लेकिन अभी तक कर्मचारी और मैनेजर के खिलाफ कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं की गई और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसी को लेकर आज धरना दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। सुरागी लाल के जसपुर संवाददाता दीपक चौहान की खास रिपोर्ट। क्षेत्र के एक भाई के साथ मारपीट की गई है टोल प्लाजा के कर्मियों द्वारा, जो बहुत ही एक निंदनीय घटना है और 5 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हमें अभी अभी घटना की सूचना मिली है, घटना की सूचना मिलते ही हम यहाँ पहुँचे हैं और हमारा पूरा समर्थन पीड़ित परिवार के साथ है और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती जब तक हम पीड़ित परिवार के साथ ही रहेंगे, धरने स्थल पर बने रहेंगे। पुलिस की एक मिली भगत, हमें तो लग रहा है कि मिली भगत है, जो मारपीट के बाद भी मुकदमा नहीं होता। और आप इनके हौसले देखिए, टोल प्लाजा के कितने बुलंद है कि यहाँ से 200 मीटर के अंतर्गत चौकी आती है और थाना 1 किलोमीटर पे, फिर भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो पुलिस का इसमें संरक्षण है पूरा जी। भारतीय किसान यूनियन हरेक पीड़ित के साथ है। आज हमारे क्षेत्र के भाई के साथ ऐसी घटना हुई है, आगे ऐसी घटना ना हो इस पे हम डटे हुए हैं और हमारा घंटा ये धरना है जो कंटिन्यू चलेगा यहाँ, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए, ये जो NH74 पर हल्दुआ साहू टोल प्लाजा है, उसके कर्मचारियों द्वारा जो अराजकता गुंडागर्दी बरती जा रही है उसके खिलाफ पूरे क्षेत्र में असंतोष है। दिनांक 1 तारीख की रात्रि की जो घटना है, वो एक निर्दोष मेरे बेटे को, संयोग से मैं अपना बेटा कहूँगा, मेरा बेटा था, बिना किसी गलती के बिना किसी कारण के उसको इतना मारा, लिटा लिटा के मारा, तो 22 आदमी ने मारा और उसको काफ़ी चोटें आई हैं, फ्रैक्चर भी है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। लेकिन वो घटना एक बानकी है, क्षेत्र में आए दिन इनके द्वारा लोगों को पीटा जाता है और इनके द्वारा गुंडागर्दी का व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए ये एक अराजनीतिक गैर राजनीतिक धरना है, वो केवल इसलिए है ताकि इनकी गुंडागर्दी बंद हो। ये जो कर्मचारी हैं, यहाँ का जो मैनेजर है जिसका नाम दीपक है और उसके साथ जो रंजीत राणा, कई लोग हैं जो बहुत बड़े गुंडे हैं, उनको तुरंत हटाया जाए और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, तो तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो धमकियाँ दे रहे हैं हमको, खुलेआम घूम रहे हैं, जनता का मनोबल टूट रहा है। हम डरे हुए हैं कि जब इतनी बड़ी घटना के बाद भी ये लोग खुलेआम घूमेंगे, इनको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तो क्या होगा।